हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर को आप रिकॉल कीजिए। हमने उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी और उसको बिल्कुल जीरो से समझना स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कब इसे बनाना चाहिए, कब हमें बनानी पड़ती है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके साथ ही साथ इसका ऑर्डर कैसे समझना है और इसकी डिग्री कैसे समझनी है, ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अब बारी है ये समझने की कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे किया जाए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाए, कब किन परिस्थितियों में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो वो समझने के लिए हम आज का लेक्चर जो है बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाए, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, इस पर आपको पूरी जानकारी देते हुए पूरी बात मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, राइट। तो पिछले लेक्चर की ही एक बात मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत कुछ समानताएं हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए समानताएं हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो चेंजेस अगर हम ढंग से समझ जाएं तो फिर हमारे लिए डीई और पीडीई दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों चीजें पढ़कर दोनों आपके ब्रेन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, तो वो चीजें हम समझेंगे उस। लेकिन मैं आपको आज का लेक्चर समझाने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ बातें याद दिलाऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना हमने सीखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाना चाहिए, ये हमने सीखा था। तो रिकॉल कीजिए क्या सीखा था। हमने सीखा था कि आर्बिट्री कांस्टेंट का विलोपन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। कोई फैमिली हमें दी गई है, कोई कर्व की फैमिली हमें दी गई है और उस कर्व की फैमिली में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट्स का अगर हम विलोपन कर दें विद हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की सहायता से अगर हम विलोपन कर दें तो जो रिलेशन बनेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये पिछली बुक में आपने पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा है। अब बारी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही कंसेप्ट काम करेगा। यहां पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स वाली फैमिली में से आर्बिट्री कांस्टेंट का विलोपन करके, एलिमिनेशन करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ओके। तो अब क्या चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस क्यों आएंगे इस पर हम बात करेंगे। एक चेंज यह आएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार से बनाई जा सकेगी। पहला प्रकार आर्बिट्री कांस्टेंट का विलोपन करके और दूसरा प्रकार आर्बिट्री फंक्शन का विलोपन करके। कहने का तात्पर्य हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना दो स्वरूपों में सीखेंगे। पहला स्वरूप होगा स्वेच्छ अचर के विलोपन के द्वारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना और दूसरा प्रकार होगा स्वेच्छ फलन, आर्बिट्री फंक्शन स्वेच्छ फलन के द्वारा पीडीई का निर्माण करना। अब ये जो दूसरा प्रकार है ये आपके लिए नया है क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं था। क्यों नया है, क्यों ये चीज यहां इंट्रोड्यूस की गई है? कांस्टेंट का विलोपन के साथ साथ आर्बिट्री फंक्शन के विलोपन के द्वारा पीडीई कैसे बन जाएगी, ये बातें हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। आज का जो लेक्चर फोकस्ड है वो आर्बिट्री कांस्टेंट पर फोकस्ड है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट के द्वारा पीडीई का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है इस पर हम अब बात करने वाले हैं। और इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि यदि हमने कोई फंक्शन लिया और उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स आपको बताए थे पिछले लेक्चर के अंदर, पी क्यू आर एस टी, P एंड Q आर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Z का अगर हम X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल Z बाय डेल X बनाते हैं, तो इसे एक सिंबल हमने दिया था स्मॉल p, और Z का अगर Y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमने बोला था स्मॉल q। ध्यान दें p फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल Z बाय डेल X, और q जो है यह भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल Z बाय डेल Y। तो
लेकिन इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं आर एस टी पर जाते हैं, आर एस और टी तीनों ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। आर मतलब डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, एस मतलब डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, और टी मतलब डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ये पिछला पूरा लेक्चर मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है और हम अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करना सीख रहे हैं विद हेल्प ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव। एक छोटी सी बात डिफरेंशियल इक्वेशन से और हम रिकॉल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक फंक्शन है x, y और c, ये कोई फैमिली है जहां पर c जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, और मुझसे कहा जाए कि इस c का एलिमिनेशन करके ODE बनाइए। ODE का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE नहीं, ODE बनाइए। यहां पर हमने एक ही एक स्वतंत्र चर माना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल माना है, और एक हमने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट माना है, और ODE हमें बनानी है। रिकॉल कीजिए, आपको निश्चित रूप से ध्यान आए, ये एक कर्व की फैमिली है और इस फैमिली में सी का एलिमिनेशन करने के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करके एक नया रिलेशन बनाया करते थे, एक नया फंक्शन बन जाता था। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ कोस आ जाएगा, इसी टाइप से मतलब इसका डेरिवेटिव हम तैयार कर लेते थे। ओके, ये गिवन इक्वेशन होती थी, ये एक्स्ट्रा इक्वेशन हम तैयार करते थे, राइट। आफ्टर देन यहां पर जब आप एफ डैश करते थे तो ये इसका डेरिवेटिव होने के कारण इस जगह पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो चुकी होती थी और वो टर्म थी वाई डैश। ये पुरानी बातें हैं, हम कर चुके हैं पहले। वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी अब इन्वॉल्व हो जाएगा, वाई डैश, ठीक है। तो एक्स होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा और सी होगा, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका होगा। हमने किए हैं काफी क्वेश्चन हमने इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि यहां से अगर आप सी का विलोपन करें, सी को हटा दें, तो इसमें और इसमें एक रिलेशन डेवलप होगा और वो रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये पुरानी बात है। अब विचार करो, मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूं। एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था तो हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की आवश्यकता हुई। ध्यान से बात को सुनिएगा, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की आवश्यकता है। यहां एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हमारे पास आई, हमने इनकी हेल्प से एक गिवन इक्वेशन थी एक हमने डेवलप कर ली और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का विलोपन हो गया। विचार कीजिए कि अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो होते, यहां पर सी के साथ कुछ और भी होता, एक और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता, तो दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का विलोपन करना पड़ता। उस समय आपको सिखाया गया था कि दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का विलोपन करोगे सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन? क्योंकि हमें दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए, दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का विलोपन करने के लिए। इस तरह से कुल तीन समीकरणें हो जाएंगी, एक गिवन और दो एक्स्ट्रा, तीन इक्वेशंस, और तीनों इक्वेशन से दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का हम एलिमिनेशन करेंगे, विलोपन करेंगे और सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो एक सिस्टम हमने आपको सिखाया था कि जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करके उतनी ही नई समीकरणें बना लो। तीन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो तीन नई समीकरणें बनाओ। एक गिवन इक्वेशन है, चारों इक्वेशंस की हेल्प से एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। उसमें ये भी सिखाया था कि ना तो कम बनाओ ना ज्यादा बनाओ। अगर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है तो आपको सिर्फ दो ही बार डिफरेंशिएशन करने का अधिकार है, दो बार डिफरेंशिएशन करो, दो इक्वेशन बनाओ। ये सब पुरानी बातें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये इसलिए जरूरी होता है कि आप दोनों चीजों को मिक्स ना कर लें, कंफ्यूज ना हो जाए, गलती ना कर दें। इसलिए मैंने पहले पुरानी बातें आपको रिकॉल करवाई हैं। अब मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होने वाला है उस पर बात करने वाला हूं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होने वाला है, देखिए यहां क्या होगा कि यदि मैं इस तरह की कोई फैमिली कंसिडर करता हूं, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है और ये फैमिली है। ध्यान दीजिए, तीन वेरिएबल हैं, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जेड मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं।
दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करें तो हम जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और जेड का वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, और जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी फर्स्ट ही ऑर्डर बनेगा। आप अब बिल्कुल ट्रैक पर आने लगे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सुविधा नहीं थी, फर्स्ट ऑर्डर पर आपको एक ही इक्वेशन मिलती थी, यहां फर्स्ट ऑर्डर पर आपको दो इक्वेशंस मिल सकती हैं, एक एक्स के रेस्पेक्ट में मिल जाएगी, एक वाई के रेस्पेक्ट में मिल जाएगी, दो इक्वेशंस मिल जाएगी ना एक्स का। ठीक, मुझे चाहिए कितनी, कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट यहां आपको नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एक नजर आ रहा है, तो एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करने के लिए, एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट का विलोपन करने के लिए मुझे केवल कितनी इक्वेशन की जरूरत है, मात्र एक इक्वेशन की जरूरत है। वो एक इक्वेशन मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके भी बना सकता हूं और मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके भी बना सकता हूं। आई हैव द ऑप्शन, मेरे पास विकल्प मौजूद है, मैं चाहूं तो एक्स के रेस्पेक्ट में बनाऊं और मैं चाहूं तो वाई के रेस्पेक्ट में बनाऊं, राइट? ओके, चलिए। हो सकता है कि मैं दोनों ही बनाकर देखूं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में देखूं, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में देखूं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही अलग अलग नजर आएंगी, एक एक्स के कारण डेवलप हुई नजर आएगी, एक वाई के कारण डेवलप हुई नजर आएगी, दो इक्वेशंस होंगी, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस तरह की आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स से बनने वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर यूनिक होना जरूरी नहीं है। एक स्टूडेंट बनाए और वो एक्स की वजह से बना दे, उसका आंसर अलग आ सकता है। दूसरा स्टूडेंट बनाए, वो वाई को काम में लेकर के बना दे, उसका आंसर अलग आ सकता है। तो इस चीज के लिए अवेयर रहिएगा, आपको बाद में फिर क्वेश्चंस के आंसर्स जब मिलेंगे तो परेशान मत होइएगा कि हमारा आंसर अलग आ रहा है, बुक में अलग आ रहा है। ऐसा मत सोचिएगा, डोंट वरी, वो मत सोचिएगा। फिर अपने आंसर को चेक कैसे करना है वो मैं आपको तरीके सिखा दूंगा, तो आप अपने आंसर को चेक कर सकेंगे, बुक के आंसर से मैच करें या ना करें, मैं जो तरीके आपको सिखाऊं वो चेक कर लीजिएगा। वो अगर चेक हो गए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, क्यों ऐसा बोला है मैंने, आपको लॉजिक भी दे दिया है, क्योंकि यहाँ एक्स की वजह से भी हमें आंसर मिल सकता है और वाई की वजह से भी आंसर मिल सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक्स और वाई को समान अधिकार प्राप्त है, याद आ गया आपको पिछला लेक्चर पूरा? तो समान अधिकार प्राप्त है तो समान क्रिया की जा सकती है, जो एक्स के लिए जो वाई के लिए भी, इसलिए आंसर की यूनिकनेस प्रभावित होती है। फिर भी आगे चलकर हम कुछ परिस्थितियां ऐसी पाएंगे जहां आंसर यूनिक आएगा, वो मैं आपको लेटर ऑन बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया है, यहाँ आंसर यूनिक आए ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम ऐसा करके भी देखेंगे। तो लेट्स सी, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सी का विलोपन करें। तो मैंने आपको अभी भी समझाया कि ये मेरे पास गिवन फैमिली है और इसमें क्योंकि मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहा है, तो मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट का एलिमिनेशन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन मैं अगर बनाता हूँ तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर मी, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में बना सकता हूँ और मैं चाहूँ तो वाई के रेस्पेक्ट में बना सकता हूँ। आई हैव टू ऑप्शंस, तो दो ऑप्शंस मेरे पास हैं, मैं फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन तैयार कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लो, डिफरेंशिएशन करें अगर हम इसका, तो ये इक्वेशन मुझे जो रिजल्ट देगी वो होगा एफ डैश एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, लेकिन अब की बार पी आएगा, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स हमें साथ में मिलेगा, क्योंकि हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होगा। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो होगा क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पी बनेगा। साथ ही साथ सी ये चीज हमारे पास आएगी और बराबर में जीरो हम ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू मिल जाती है। या हम ऐसा करें, ये ना करके ये करें विद रेस्पेक्ट टू वाई।
अगर आप इसे वाई के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो अब इक्वेशन की फॉर्मेट आपको नजर आएगी एफ डैश एक्स वाई जेड, लेकिन अब की बार क्यू होगा, सी होगा और जीरो होगा, थ्री नंबर की इक्वेशन। तो कोशिश कीजिए समझने की, मुझे सी का एलिमिनेशन करने के लिए केवल एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मैं ये वाली भी ले सकता हूँ या फिर मैं ये वाली भी ले सकता हूँ। तो मैं यदि इन दोनों को लेकर सी का एलिमिनेशन करता हूँ तो मेरे पास एक पीडीई आएगी, मुझे मिल जाएगी। या मैं इसे और इसे लेकर सी का एलिमिनेशन करता हूँ तो मुझे एक और पीडीई मिल जाएगी। मतलब ये जो गिवन फैमिली है ये दो अलग अलग पीडीई का सॉल्यूशन हो सकती है। ये मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में समझाया था कि जो हम फैमिली लेते हैं जिसमें एलिमिनेशन करते हैं डीई बनाते हैं, उस डीई का सॉल्यूशन वही होता है। तो सेम थिंग इज हेयर, यहाँ जो डीई बनेगी वन और टू से उसका सॉल्यूशन भी वन नंबर है, और वन और थ्री से अगर हमने बनाई तो जो पीडीई बनेगी उसका सॉल्यूशन भी वन नंबर रिलेशन ही है। ये बात आपको समझ में आसानी चाहिए। ओके, चलिए अब ये काम मैं आपको क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा तो आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक बार ये थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ताकि आपके ब्रेन में थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं, फिर हम एग्जांपल्स की सहायता से इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास, अब मैं इस फैमिली को यहाँ चेंज कर देता हूँ, माना कि मैं अब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की संख्या, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की संख्या एक ना लेकर दो ले लो। इस तरह से देखिए, मान लो कि यहाँ एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट ए है, एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट बी है और ये जीरो है, और ये गिवन रिलेशन है। वी हैव टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स नाउ, हमारे पास अब दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें दो का एलिमिनेशन करना है, दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट दो का विलोपन करना है। नो प्रॉब्लम, हम कर देंगे। लेकिन सोचो दो का विलोपन करने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। मैं तो बार बार समझा रहा हूं कि दो का विलोपन करने के लिए, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का विलोपन करने के लिए आपको दो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, दो एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो वो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन तो फर्स्ट ऑर्डर पर ही मिल जाएगी। जब आप जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, अगर आपने जेड का वाई के रेस्पेक्ट में किया तो फिर से एक और इक्वेशन मिल जाएगी, दो एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएंगी। कौन से ऑर्डर पर? फर्स्ट ऑर्डर पर। तो हम दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स का एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर पर ही कर सकते हैं। इट इज द डिफरेंस इन द डी एंड पीडी। ये पीडी और डी में डिफरेंस है। डी में जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते थे उतने ही ऑर्डर की इक्वेशन हम बना पाते थे, लेकिन यहाँ दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होने पर भी हम फर्स्ट ऑर्डर से ही काम चला सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से ही दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स का एलिमिनेशन किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। अब सोचिए कि फिर सेकेंड ऑर्डर कब आएगा। सेकेंड ऑर्डर तब आएगा जब यहाँ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की संख्या तीन हो जाएगी। मान लो कि ये थर्ड मेरे पास आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। अब आर्बिटरी कॉन्स्टेंट तीन होने के कारण मुझे तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए। तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस कैसे आएंगी? तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर पर एक्स के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर पर वाई के रेस्पेक्ट में, राइट? लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पर तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम पी ज्ञात कर सकते हैं या हम क्यू ज्ञात कर सकते हैं, मतलब या तो एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं या वाई के सापेक्ष। तो फिर तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तीसरी एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो जो तीसरी इक्वेशन चाहिए उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर पर जाना पड़ेगा, यहाँ सेकेंड ऑर्डर की पीडीई बन जाएगी। इस तरह से ये बात क्लियर हो जाती है कि दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट हो तो फर्स्ट ऑर्डर की ही पीडीई बन जाएगी, हमारा काम फर्स्ट ऑर्डर से हो जाएगा। अप टू द टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, अप टू द यानी कि दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स तक आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ही बनानी है। ओके, ये बात क्लियर होती है। अब देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर पर अगर हम गए, तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हुए, तो सेकेंड ऑर्डर पर आपके पास तीन डेरिवेटिव हैं, आर है, एस है, टी है। आर एस टी तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। तो तीन आर्बिट्री, आई एम सॉरी, तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तीन पार्शियल डेरिवेटिव आर एस टी। आप अगर तीसरी इक्वेशन आर से बनाते हैं तो आपको एक आंसर मिलेगा,
कोई स्टूडेंट हो सकता है कि थर्ड इक्वेशन एस से बना दे, उसे एक अलग आंसर मिलेगा। कोई स्टूडेंट हो सकता है कि टी से बना दे, उसे अलग आंसर मिलेगा। तो यहाँ भी हमारे पास तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होने पर आंसर यूनिक नहीं रहेगा, पीडीई यूनिक नहीं रहेगी, अद्वितीय नहीं रहेगी और हम एक से ज़्यादा पीडीई बना सकेंगे। तो अब तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। सोचो चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो तो आपको चार इक्वेशन चाहिए, तो भाई दो तो फर्स्ट ऑर्डर पर आ गई, दो आप सेकेंड ऑर्डर की बना लो, चार हो गई। मान लेते हैं कि पांच आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो तो दो फर्स्ट ऑर्डर की और तीन सेकेंड ऑर्डर की, आर एस पी, तीन सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से पांच इक्वेशन हो गई, तो पांच आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तक तो हम सेकेंड ऑर्डर पर ही हैं, राइट टू अंडरस्टैंड। जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था डिफरेंशियल इक्वेशन में, पीडीई में। मैं डिफरेंस भी आपको बताता चला जा रहा हूं। तो पीडीई के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होने के कारण हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, राइट। दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स तक फर्स्ट ऑर्डर रहेगा और पांच आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स तक सेकेंड ऑर्डर पर हमारा काम हो जाएगा। अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की संख्या 6 हो जाती है तो आपको थर्ड ऑर्डर पर जाना पड़ेगा। यहाँ अब तक सारी थ्योरेटिकल पार्ट पर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अब बारी है इसी थ्योरी से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करने की। तो लेट्स सी द फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, उसकी सहायता से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पर एक इक्वेशन ली, एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से ही लिख देता हूं। मान लेते हैं कि एक फैमिली हम कंसिडर करें, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, मान लेते हैं ये एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, राइट। सोचिए ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? आप कहेंगे सर ये तो स्फीयर की इक्वेशन है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, तो गोले की समीकरण है। इस गोले का केंद्र कितना? तो आपका जवाब आएगा ए बी सी। त्रिज्या कितनी? तो आपका जवाब आएगा आर। आई थिंक बिल्कुल क्लियर सी बात है, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहां पर मैं अगर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की संख्या की बात करूं तो ये चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। मेरे पास नजर आ रहा है मुझे चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, लेकिन चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट से मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं, आपको इजी टू हार्ड की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैं यहां पर चार आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स में से दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को फिक्स कर देता हूं। मान लेते हैं कि सी तथा आर नियत है, फिक्स्ड है। सरल भाषा में लिख देता हूं मैं, दिए गए हैं। मैंने आपको सिखा रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो दिया गया कांस्टेंट होता है वो फिक्स्ड कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो C और R को मैंने फिक्स्ड मान लिया है कि ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, गिवन है, जो गिवन है वो लास्ट आंसर में आएगा, लास्ट आंसर में आ सकता है, इसलिए हम इनका विलोपन नहीं करते, ये तो दिए गए हैं। मतलब मुझे कहा गया है कि एक नियत त्रिज्या आर वाला गोला बनाना है, राइट। अब ऐसे गोले बनाने हैं जो जिनकी त्रिज्या तो आर ही है, उनके केंद्र के जो निर्देशांक हैं वो केंद्र के निर्देशांक ए बी और सी है। इसमें भी सी को फिक्स कर दिया तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, राइट। और ए और बी जो कोऑर्डिनेट है वो बदलते रहेंगे, और ए और बी कोऑर्डिनेट बदलने पर फैमिली के मेंबर बदलते रहेंगे, यानी कि आपको अलग अलग गोले मिलते रहेंगे। ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरा एक लेक्चर आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कि फैमिली को कैसे समझना होता है, उसके मेंबर्स को कैसे समझना होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। आपको सब कुछ मैंने पहले समझा रखा है, तो आपको तो कोई दिक्कत इसमें आनी ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने फिक्स्ड कांस्टेंट कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ए और बी जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं,
ए तथा बी स्वच्छ अचर है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, स्वच्छ अचर है यानी कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ऐसा हम मान लेते हैं। ओके, अब बारी है कि भाई ये गिवन इक्वेशन है और मैं चाहता हूं कि इसमें से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करूं, विलोपन करूं। उसके लिए दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करने के लिए मुझे दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए। दो एक्स्ट्रा इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर पर बनाई जा सकती हैं, एक स्मॉल पी और एक स्मॉल क्यू। तो हम फर्स्ट ऑर्डर पर दोनों एक्स्ट्रा इक्वेशंस बना लेते हैं, यानी कि इस एक का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट पार्शियली एक का एक्स तथा वाई के सापेक्ष। आंशिक अवकलन करते हैं, कर देते हैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में टू टाइम्स ऑफ द जेड माइनस सी, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, बिकॉज जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में जीरो। ओके, अब हमें क्या नजर आता है, हम यहां ये देख पाएंगे, आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि इस जगह पर ये टू कॉमन लेकर के जीरो के साथ चला जाएगा, मतलब यहां से x माइनस ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। कितनी वैल्यू मिलती है x माइनस ए की, हम इसको ट्रांसफर करें, हमें x माइनस ए की वैल्यू मिल जाएगी। इस डेल जेड बाय डेल एक्स को सुविधा के लिए हम स्मॉल p लिख लें, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े। तो फिर ध्यान से हम वैल्यू निकालें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस ए, x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ द, इसे ट्रांसफर करें, टू को हटा दें, बराबर में जीरो है, तो ये बनता है z माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p, ये हमें रिजल्ट मिलता है, ये x माइनस ए का मान हमें मिल जाता है। अगेन यही काम फिर से करें, लेकिन अब की बार y के रेस्पेक्ट में करें, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा, ये टू टाइम्स ऑफ द y माइनस बी हो जाएगा, प्लस ये टू टाइम्स ऑफ द z माइनस सी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, डेल जेड बाय डेल वाई को हमें पता है हम क्यू लिख सकते हैं, तो इसे हम क्यू लिखेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे, टू को कैंसिल करेंगे, तो आपको वाई माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द जेड माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ये इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर थ्री है। ओके, क्योंकि दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एलिमिनेट करने थे, मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के लिए दो इक्वेशन हमें चाहिए थी, दोनों मिल चुकी हैं, डन। ओके, अब बारी है विलोपन की, एलिमिनेशन की। तो आप केयरफुली देखें कि यहां अगर आप एलिमिनेशन करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां से x माइनस ए की वैल्यू यहां लिखी जा सकती है और ये y माइनस बी की वैल्यू यहां लिखी जा सकती है। जेड माइनस सी में सी गिवन कॉन्स्टेंट है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे आंसर में आएगा, हमें इसे हटाना नहीं है। ये आर भी गिवन कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये भी हमारे लास्ट आंसर में आएगा, इसे भी हटाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यूज रखने के बाद ए और बी का विलोपन अगर हम एक दो व तीन से करें, एक्स ए और बी का विलोपन कर लेगा, ऑन एलिमिनेटिंग द ए एंड बी विद हेल्प ऑफ द वन टू एंड थ्री, तो क्या होता है, विलोपन कर दें, एक्स माइनस ए की वैल्यू यहां लिखें, तो ये माइनस ऑफ द जेड माइनस सी मल्टीप्लाइड पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ द जेड माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जेड माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हम जेड माइनस सी का होल स्क्वायर
कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप जेड माइनस सी का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इस जगह पर पी स्क्वायर बचेगा, इस जगह पर क्यू स्क्वायर बचेगा, इस जगह पर वन बचेगा और इज इक्वल टू में आर स्क्वायर बचेगा। इट इज आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि ए और बी हट चुके हैं, उनकी जगह पर पी और क्यू आ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई तैयार हो चुकी है। ये एक सिंपल सा सिस्टम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। थोड़ा सा हम इसको और समझने के लिए कुछ लेवल बढ़ाते हैं एग्जांपल्स का, इस एग्जांपल से थोड़ा हायर लेवल के एग्जांपल लेते हैं, दो से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का एलिमिनेशन करके पीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जांपल। ओके, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट की संख्या इसमें ज़्यादा मैं कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप तो पहचान गए हैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है, एलिप्सॉइड की इक्वेशन, सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। बिल्कुल, मैंने सेंट्रल कोनिकॉइड की फैमिली ले ली है। इस फैमिली में कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मैं कंसीडर करता हूँ? मैं दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी कंसीडर कर सकता हूँ, तीन भी कर सकता हूँ, पर दो वाला एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कंसीडर कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी तीनों ही, ए बी और सी तीनों ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं। अब सोचिए, अगर तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं तो मुझे तो पीडीई बनाने के लिए तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत है। अगर तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस की ज़रूरत है तो तीन एक्स्ट्रा इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पर तो मिल नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पर तो दो ही मिलेंगी, तो फिर अब आपको सेकंड ऑर्डर पर जाना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय समझाई अभी थोड़ी देर पहले। तो हम सेकेंड ऑर्डर तक अप्रोच करते हैं और पी डी का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, where A, B, C are arbitrary constants. ये हमने कंसीडर किया। देखिए, सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू द x एंड y, फर्स्ट ऑर्डर के दो रिलेशन हम तैयार करें। तो हम लिख लें x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का, और इस इक्वेशन को एक नंबर भी मेंशन कर दें जो कि फर्दर रेफरेंस में काम आएगा। फर्दर देखिए, अब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये जीरो हो जाएगा, ये 2z अपॉन सी स्क्वायर लेकिन मल्टीप्लाइड बाय डेल जेड बाय डेल एक्स होगा, राइट? ओके, इज इक्वल टू जीरो। यहां पर केयरफुली ध्यान से देखिए, ये टू कॉमन लेकर हटाया जा सकता है। सी और ए दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इनको भी यहां मैनेज करने की स्थिति में आ जाएंगे। हम यहां इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x अपॉन ए स्क्वायर का जो मान है वो वाला मान माइनस ऑफ द z अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p है, मल्टीप्लाइड बाय p, डेल z बाय डेल x को मैंने p लिख दिया है। ये मेरे पास सेकंड रिलेशन है
ओके अब हम थर्ड रिलेशन की बात करें तो इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, y के रेस्पेक्ट में ये टर्म ये जीरो हो जाएगी, ये टर्म 2y अपॉन बी स्क्वायर बनेगी, ये टर्म 2z अपॉन सी स्क्वायर बनेगी, मल्टीप्लाइड बाय होगा डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू होगा जीरो। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी ट्रांसफर करके लिख लें तो ये y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ द z अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय q, इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड इक्वेशन बनेगी। इस तरह से तीन इक्वेशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक गिवन इक्वेशन थी और दो एक्स्ट्रा इक्वेशन है, लेकिन तीन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होने के कारण हमें तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर पर जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर पर जब आप जाएंगे तो आपके पास आर है, एस है और टी है, तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन से ध्यान दीजिएगा। अगर तीन ऑप्शन हैं तो मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी है, मैं आर का यूज करूं करके थर्ड इक्वेशन काम में लूं, या मैं एस वाली थर्ड इक्वेशन लूं, या मैं टी वाली थर्ड इक्वेशन लूं, मतलब मैं इस पीडीई का निर्माण करते समय तीन तरह की पीडीई बना सकता हूं। ये बात समझाने की मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत डिफरेंट बात है, बहुत अलग सी बात है, इसलिए बहुत कोशिश करके आपको मैं समझा रहा हूं कि मैं अब तीन प्रकार की पीडीई बना सकता हूं, राइट। मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के पास अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ओके। उनमें से कुछ मैं निकाल कर आपको बता भी रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैं R के साथ प्लान करता हूँ, मेरे दिमाग में ये इच्छा हुई कि चलो तीसरी इक्वेशन चाहिए, R, S, T तीन ऑप्शन है, चलो R लेते हैं। तो R लेने का मतलब क्या होगा, आपको R कब मिलेगा, आपको R तब मिलेगा जब डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो। डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर कहां पर आएगा, यहां देखें ध्यान से, इक्वेशन नंबर 2 में डेल जेड बाय डेल एक्स है, इस डेल जेड बाय डेल एक्स का एक बार फिर से हम यदि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि आर आ जाएगा, तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, हमें इसके अलावा सोचना नहीं है, ओके ठीक। हम ट्राई करते हैं, बना के देखते हैं। तो हम यहां पर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, इक्वेशन नंबर 2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए, तो समीकरण 2 का पुनः एक्स के साथ एक्स आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करते हैं तो अब ये समीकरण नंबर 2 है, इसका मैं आंशिक अवकलन करूं, ओके। तो अब देखो यहां से कर लेते हैं, x अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर है, ये माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर लिख दें, जेड पी का डिफरेंशिएशन करें, जेड पी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, p प्लस z dp by dx, डेल p by डेल x, प्रोडक्ट फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, z और p दोनों का करना है, एक बार z का कीजिए, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाइए, z का करें p को रोक दे, p का करें z को रोक दे। तो मैंने जब z का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में तो मुझे p मिला, एक पी ऑलरेडी यहां पर मौजूद है तो ये पी इंटू पी हो गया, बिल्कुल इजीली ध्यान से देखते चले जाइए। इस जेड का डिफरेंशिएशन पी बनेगा, पी मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स, और ये वाला पी एज इट इज बना रहेगा, प्लस ये जेड एज इट इज बना रहेगा, इस पी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल पी बाय डेल एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन मेरे पास है, इस रिलेशन को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड आर। ध्यान दें
आर मतलब डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको आप डेल पी बाय डेल एक्स भी बोल सकते हैं। ये बातें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। डेल जेड बाय डेल एक्स पी है, राइट। डेल जेड बाय डेल एक्स का यानी कि पी का एक बार फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर बनेगा, जिसे डेल पी बाय डेल एक्स भी बोल सकते हैं, वो आर है, तो मैंने आर लिख दिया, स्मॉल आर, राइट। अब नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या है, देखिए कि ये जो मान मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ चुकी है फोर्थ इक्वेशन, यानी कि अब मेरे पास तीन एक्स्ट्रा रिलेशंस आ चुके हैं। तो मैं अब एलिमिनेशन की प्लानिंग करूं, विलोपन करने की प्लानिंग करूं। विलोपन करने के लिए मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताया था, एलिमिनेशन करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार उपलब्ध समीकरणों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हटाएं, कैसे वहां से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का एलिमिनेशन करें। ये अवेलेबल इक्वेशंस पर डिपेंड करता है, कोई फिक्स रूल नहीं है। मैथमेटिक्स के सारे ही रूल काम कर सकते हैं, किसी भी रूल की सहायता से हम करें जो यहाँ पर सुटेबल फिट हो रहा हो। तो हम देखें कि अगर गौर से देखें हम इन इक्वेशंस को, ध्यान से देखिए, मैंने वन काम में ली, टू काम में ली, टू के बाद मैंने टू से फोर का निर्माण किया, और मुझे यहाँ ये नजर आ रहा है कि इस टू नंबर इक्वेशन में ए स्क्वायर मौजूद है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ देखो यहाँ पर भी अपॉन में सी स्क्वायर है, यहाँ भी अपॉन में सी स्क्वायर। यदि मैं 2 को 4 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखिए, इसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, डिवाइड करें, यहाँ पर ही दिमाग लगाओ, इसी जगह पर, इसके नीचे इसे लिखें, अपॉन में लिखें, डिवाइड करें, तो क्या हो रहा है, ये एक्स अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाई ए स्क्वायर, हम पाएंगे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो ये z अपॉन सी स्क्वायर है और ये वन अपॉन सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो c हट गया, a हट गया, b तो पहले ही हट गया था, a b c तीनों हट गए, विलोपन हो गया, तो काम हो गया ना भाई, हमारा काम कंप्लीट है। हम दो और चार की हेल्प से, दो व चार से हम विलोपन करके लिख सकते हैं, या मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, दो को डिवाइड किया मैंने चार से, डिवाइड बाय लिख देता हूं मैं, तो आपको ध्यान रह जाएगा कि हमने डिवाइड करके एलिमिनेशन किया है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसा बोल रही हैं कि हम डिवाइड करके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हटा पा रहे हैं, तो डिवाइड करके हम हटा देते हैं। टू डिवाइड बाय फोर, ये ऑपरेशन मैंने लगाया, वॉट हैपेंड, क्या हुआ इससे, एक्स अपॉन ए स्क्वायर अपॉन वन अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा इज इक्वल टू माइनस, कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहां जेड पी है, ये जेड पी हम लिख लें, अपॉन यहां पर पी स्क्वायर प्लस जेड आर है, ये पी स्क्वायर प्लस जेड आर हम लिख दें, वेरी क्लियर, ये हमने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक रिलेशन इस तरह से मिल जाती है, एक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस जेड आर दैट इज इक्वल टू जेड पी, क्लियर। मैंने कहा था आपसे कि आर का यूज कर सकता है, एस का कर सकता है, टी का कर सकता है, किसी की इच्छा हुई कि हम तो आर का यूज नहीं करेंगे, तो फिर उस स्थिति में उसका आंसर क्या आएगा, अगर वो आर का यूज ना करे और वो टी का यूज करे, वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करे और वो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करे, देन व्हाट हैपेंड, तब क्या होगा, हम दिमाग लगाते हैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन अब की बार यहां से प्रोसेस बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक आंसर आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैं इसका अल्टरनेटिव आंसर आपको बता रहा हूं, इसका वैकल्पिक हल करने का तरीका, इसका जो दूसरा आंसर आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से दूसरा आंसर इसका निकल सकता है जो मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। देखिए, तो मैं एक बार इसे यहां से कुछ चीजें यहां से हटा देता हूं और फिर दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं, टी को टारगेट करते हुए, ये मैंने आर को टारगेट करते हुए किया था, लेट्स सी। तो देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन,
ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप टी लाना चाहते हैं, टी मतलब हुआ डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, तो आपको डेल जेड बाय डेल वाई देखना होगा जो यहाँ नजर आ रहा है। इस डेल जेड बाय डेल वाई का एक बार फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर बनेगा। मतलब आप रिलेशन नंबर थ्री का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, थ्री का अवकलन करें पुनः, लेकिन आपकी बार किसके सापेक्ष करें, वाई के सापेक्ष करें। तो अगर हम वाई के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर देखिए क्या होगा, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये टू वाई अपॉन बी स्क्वायर है जो कि टू अपॉन बी स्क्वायर रहेगा, ये प्लस में टू जेड अपॉन सी स्क्वायर, या हम यहां से कर लें इस जगह से तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर अस, यहां से करें वाई अपॉन बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस, ये वन अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे वन अपॉन सी स्क्वायर को लिख लें, यहां से जेड क्यू है, जेड क्यू, जेड क्यू के लिए वही प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दें, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई का मतलब हुआ क्यू, ये वाला क्यू एज इट इज, ये क्यू हम एज इट इज लिख लें, प्लस अब की बार हम जेड को एज इट इज रहने दें और क्यू का, क्यू मतलब डेल जेड बाय डेल वाई का एक बार फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो वो टर्म बन जाएगी डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर जो बनेगी वो t बनाएगी, हमने t लिख दिया। अब ये मान हमारे पास आ चुका है, ये जो मान मुझे मिला है मैं इसे रिलेशन नंबर फोर मेंशन कर दूं। अब मेरा काम है इनकी हेल्प से जहां से भी जिस भी इक्वेशन से आर्बिटरी कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो रहे हों वहां से हम एलिमिनेट करें। ऐसा नहीं है कि आपको सारी इक्वेशन काम में लेना जरूरी है, नहीं, ये सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है कि आप अगर पीडीई का निर्माण सेकेंड ऑर्डर पर जाकर होना है तो आप सेकेंड ऑर्डर पर पहुंचे बिना पीडीई बना ही नहीं सकते, तो मुश्किल भी नहीं है, आराम से हो भी रहा है। तो अगर हम यहाँ गौर करें, आपको आपके आईक्यू काम में लेनी होती है, आपको मैथमेटिकल आईक्यू जो आपकी होती है, गणितीय जो बुद्धि लब्धि आपके अंदर रहती है उसे काम में लीजिए और देखिए कि कहाँ से आप सर्वाधिक सुविधाजनक रूप में एलिमिनेशन कर पा रहे हैं। तो आपको फिर नज़र आएगा कि इक्वेशन तीन और इक्वेशन चार, तीन और चार ये ऐसी इक्वेशंस हैं जहाँ से हम बी और सी का एलिमिनेशन कर सकते हैं। ए और ए तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ए तो पहले से ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया था, यही वजह है कि अब दो इक्वेशंस की हेल्प से आगे एलिमिनेशन हो पा रहा है। तो हम देखते हैं वन अपॉन बी स्क्वायर मतलब इसे डिवाइड कर दें, तो फिर मेरे पास वही कमांड है कि मैं थ्री डिवाइड बाई फोर कर दूँ और देखूँ कि मुझे क्या मिलता है। थ्री डिवाइड बाई फोर से यहाँ है वाई अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ वन अपॉन बी स्क्वायर, मतलब मुझे वाई मिलेगा अपॉन वन इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये भी माइनस है, राइट, ये जेड क्यू है अपॉन सी स्क्वायर है, ये वन अपॉन सी स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो दोनों ही डिनोमिनेटर के सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, वहां पर जेड क्यू रह जाएगा और यहां पर ये वाली टर्म रह जाएगी क्यू स्क्वायर प्लस जेड टी, क्यू स्क्वायर प्लस जेड टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इक्वेशन मिलेगी वाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर प्लस जेड टी दैट इज इक्वल टू जेड क्यू। इसे पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में अगर खोलते से ये आंसर हमें मिल जाता है, राइट। अब देखो, आप देख चुके हैं मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग इक्वेशंस काम में लेकर पीडीई का मैंने निर्माण किया, दोनों पीडीई अलग अलग बनी हैं, राइट। आप डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करो, जब हम आपको सॉल्व करने के मेथड्स सिखाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पीडीई को सॉल्व करने पर भी आंसर यही आएगा और जो पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के बताई उस पीडीई को सॉल्व करने पर भी आंसर यही आएगा। और अभी तो आपके पास एक विकल्प और है, आप एस का भी तो यूज कर सकते हैं, एस भी तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगर हम यहाँ एस का निर्माण करते, कैसे होता है एस का निर्माण, या तो इस वाली इक्वेशन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता या फिर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाता, तो एस बन जाता डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, राइट। उससे भी हम ऐसे पीडीई बना सकते थे, वो एक और हमारे पास पीडीई होती,
इसलिए यहाँ आंसर यूनिक नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता। अब तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो मेहनत करके आपको इतनी सारी बातें समझाई हैं, सब आपको क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मैं इस टॉपिक को तो यहीं पर क्लोज करूँगा, पर एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको आज मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी तो महसूस नहीं हुई। अगर हो तो मुझे बताइएगा। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिस्टम बना रखा है, डाउट्स क्लियरेंस के लिए जो हमने सिस्टम बना रखा है उसको फॉलो करते हुए आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर मुझे ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। तो ओके, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आर्बिट्रेरी फंक्शन की क्या उपयोगिता होती है, होता क्या है आर्बिट्रेरी फंक्शन, और वो कैसे पीडीई बना देता है, और वो पीडीई किस प्रकार से बनती है, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राइट, थैंक यू।